पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेट रहा। सबसे अधिक वर्षा बालासोर के राजघाट में 2.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट जो मैक्सिमम तापमान सोनपुर का 36.3°C, लोएस्ट मिनिमम तापमान प्लेन एरिया फुलवानी में 15°C और हिल स्टेशन कोरापुट में 14.6°C दर्ज किया गया। भुवनेश्वर का मिनिमम तापमान 21.8°C और कटक का 21.4°C दर्ज किया गया है। अभी भी जो तापमान है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। अभी जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली तो कोई सिग्निफिकेंट सिस्टम नहीं है, लेकिन साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर और नेबरहुड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई जो समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर हाइट पर बनी हुई है। उसकी वजह से आज उड़ीसा के ऊपर बादल बने रहेंगे। अगर बात रेनफॉल फोरकास्ट की तो आज 24 तारीख को हमारा कोस्टल उड़ीसा और 7वें सेटेलाइट मयूरभंज के अंदर अनुगुल डेंटरा बोध कंधमाल ये सब जगहों पे नयागढ़ ये सब जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है 1-2 स्थानों पर। इसके बाद डे टू यानी 24 तारीख को भी हमारा जो कोस्टल उड़ीसा पूरा और उसके साथ साथ मयूरभंज सॉरी नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा और साथ में सुंदरगढ़ देवगढ़ केवंझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकनाल बोध कंधमाल इनसे जगह पे कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और साउथ कोस्टल उड़ीसा रायगढ़ कोरापुट कांगड़ी इन डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और इसी के साथ जो डे टू में 24 तारीख को थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकती है उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा और उसके साथ मयूरभंज के ढेंकनाल अनुगुल नयागढ़ बोध डिस्ट्रिक्ट और पूरी खुर्दा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। 25 तारीख को भी कोस्ट उड़ीसा और 7वें सेटेलाइट डिस्ट्रिक्ट में और नीचे कोरापुट रायगढ़ नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 26 तारीख को डे फोर में हमारा जो नॉर्थ उड़ीसा और साथ में नुआपाड़ा बोलांगी सोनपुर बोध इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 27 तारीख को डे सिक्स में भी मयूरभंज के अंदर अनुगुल ढेंकनाल देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बारगढ़ सोनपुर बोध बोलांगी नुआपाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 28 तारीख को हमारा जो नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा मयूरभंज के अंदर अनुगुल ढेंकनाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे सेवन 29 तारीख को लगभग जो मौसम है सूखा रहने की संभावना है। अब बात करते हैं मिनिमम तापमान की फोरकास्ट, तो मिनिमम तापमान में अगले 4 से 5 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।